हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.7, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि 1.6 में वही एस्टिमेशन है जो 1.4 है, इसलिए 1.6 आपको नहीं बता रहे हैं, आप कर लीजिएगा। जैसे 1.5 है वैसे ही 1.6 भी है, इसलिए आप इसे करके आएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी उसमें डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, क्वेश्चन लिख करके दीजिएगा, मैं तुरंत उसको सॉल्व करूंगा और उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.7। देखिए एक्सरसाइज 1.7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट रोमन न्यूमरल फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 20। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक के सारे नंबर का रोमन न्यूमरल लिखिए। 1 से 20 तक के सारे जितने भी नंबर हैं सबका रोमन न्यूमरल लिखिए। देखिए जो 1 है इसको हम लिखते हैं आई, 2 को आई आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 को वी आई आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स आई आई, 13 को एक्स आई आई, 14 को एक्स आई वी, ये 14 तक हुआ एक्स आई वी 14। देखिए 15 को, यहां देखिए 15 एक्स वी 15, 16 को एक्स वी आई, 17 को एक्स वी आई आई, 18 को एक्स वी आई आई, 19 को एक्स आई एक्स, 20 को एक्स और एक्स। इस तरह से आप 10 तक क्या करिए, आप जो है 10 तक याद कर लीजिए, 10 तक याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए आसान हो जाता है। 10 है ना, 10 तक मान लीजिए आपने इतना याद कर लीजिए। अब 11 लिखना है तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, फिर 10 में 2 जोड़ दीजिए, देखिए फिर 10 में 3 जोड़ दीजिए, फिर 14 लिखने के लिए 10 में 4 जोड़ दीजिए। इस तरह से आप ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। इनमें से प्रत्येक को आपको रोमन न्यूमरल में एक्सप्रेस करना है। आइए देखते हैं कैसे रोमन न्यूमरल में आप एक्सप्रेस करेंगे। देखिए यह है 56, आपको पता है 50 के लिए हम एल लिखते हैं और 6 के लिए वी आई, ये हुआ 56। 73, ये देखिए 50 के लिए L और 10 इसमें जोड़े 60, 10 और जोड़े 70 और 3 73। 81 देखिए 50 लिखिए, पहले 50 के लिए L 60 70 81 81। 99 देखिए 90 के लिए क्या लिखते हैं,
एक्स सी 90 हो गया। देखिए 100 में से इधर 10 को माइनस करेंगे तो 90, और 9 के लिए आई एक्स। 124, 100 के लिए सी, 20 के लिए एक्स और एक्स, और 4 के लिए आई वी। 246 के लिए, 200 के लिए 2c, और 40 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स और एल, एक्स और एल 40, और 6 के लिए वी आई। ये देखिए 435, 400 के लिए क्या लिखते हैं, 500 में से हम 100 को माइनस करते हैं, 500 के लिए लिखते हैं डी, और डी में से 100 माइनस कर दीजिए, तो हो गया 400 और 30, 10, 10, 10, 30 हो गया, और यहाँ 5, 435, 596, 5 के लिए डी, 500 के लिए डी, और 90 के लिए एक्स और सी, और फिर हमें 6 लिखना है, तो 596, 611, देखिए 600, और ये हुआ 11, 759, 700 के लिए देखिए 500, 600, 700, और 59 लिखना है तो 50 के लिए लिखिए L, और 9 के लिए I, X, 991, आप देखिए 900 के लिए क्या लिखते हैं, 1000 में से 100 को माइनस कर दीजिए CM, और 90 के लिए क्या लिखते हैं हम, X और C, 90, और ये 1287, 1000 के लिए हम लिखते हैं M, और 200 के लिए सी सी, और 87, 80 के लिए हम ये देखिए 50, 60, 70, 80, और 7 के लिए यहाँ और लिख दीजिए, तो 1287 हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्रेस इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जो है लिखना है इसको, हिंदी हिंदू अरेबिक, देखिए ये एक्स 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 आई वी, आप देखिए एक्स का मतलब 10, प्लस इस एक्स का मतलब 10, प्लस इस एक्स का मतलब 10, आप प्लस ये देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, मतलब ये 5 माइनस 1 कितना हुआ, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, 10 20 30 34, ये हुआ कितना, ये 34 है। ये देखिए एक्स एल वी, एक्स देखिए एल बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या, सबट्रैक्ट करेंगे, ये 50 माइनस 10, और ये वी प्लस 5, देखिए ये हुआ कितना 40, और प्लस 5 कितना हुआ 45। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी, एल है, एल का मतलब 50, प्लस एक्स का मतलब 10, प्लस इस एक्स का मतलब 10, प्लस ये देखिए आई और वी है, ये बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या, तो ये 5 माइनस 1, ये देखिए कितना हुआ 50, 60, 70, और प्लस 4, ये 4 हो गया 74, ये देखिए कितना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मतलब 100 माइनस 10, ये देखिए आई प्लस 1 कितना हुआ, 100 में से 10 गया 90 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 91, ये देखिए एक्स सी 100 माइनस 10 और वी प्लस ये 5 और प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हुआ 90 और प्लस 5 6 7 इक्वल टू हुआ 97। इसको देखिए सी एक्स आई, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10,
और आई का मतलब 1, 111। इसको देखिए सी डी एल एक्स आई बी सी डी, देखिए बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या, तो इसको माइनस करिए डी 500 माइनस 100। अब देखिए प्लस 50, एल का मतलब 50, प्लस एक्स का मतलब 10, प्लस वी में से 1 को माइनस कर दीजिए 5 माइनस 1, देखिए कितना हुआ, यह हुआ 400 प्लस 50 60 और 6 और ये 4 64 कितना हुआ 464 हुआ। इसको देखिए एल को, क्वेश्चन नंबर एल, ये देखिए डी, डी का मतलब 500 प्लस सी, सी मतलब 200 प्लस एल का मतलब 50 प्लस एक्स का मतलब 10 प्लस वी का मतलब 5 और आई का मतलब 1, जोड़ लीजिए 500 2 700 50 60 65 66 मतलब ये देखिए कितना हुआ, ये दिखाई दे रहा आपको 500 700 ये हुआ 700 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर 1 है वह समाप्त होता है। पूरे चैप्टर से लेकर के अगर कहीं भी आपको डाउट है तो तुरंत हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, मैं सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनके पास मटेरियल नहीं जा रहा है, तो उनसे तत्काल कहिए कि वो अपने नंबर को स्कूल में भेजें ताकि उनके पास मटेरियल को भेजा जा सके। और नहीं तो इस चैनल के द्वारा बताइए कि जुड़ें और अपने सिलेबस को जो है, अपने मैथमेटिक्स के किताब को, अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को और साइंस सब्जेक्ट को इस चैनल के माध्यम से पढ़ें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलते चलते जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।